4G का नेटवर्क एक एक मोबाइल पर 80,000 टावर के आधार पर अक्टूबर में आ जाएगा और 1,00,000 टावर के आधार पर मार्च के माह तक आ जाएगा। और उसी 4G के कोर पर हम 5G भी इस्तेमाल कर सकते हैं BSNL के लिए, जिस पर अभी भी कार्य चल रहा है। 4G से 5G तक वो सफर भी जल्द हम तय करेंगे। BSNL ने 25,00,000 कस्टमर तोड़े, जियो एयरटेल की मार्केटिंग हुई फेल, BSNL 1,00,000 नए 4G टावर लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, BSNL जिसका मार्केट शेयर लगातार गिर रहा था, 10% भी नहीं बचा था दोस्तों, यानी कि 100 लोग अगर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे, मोबाइल टावर इस्तेमाल कर रहे थे अपने मोबाइल फोन पे, तो वो BSNL का सिर्फ ऐसे इस्तेमाल करने वाले कस्टमर 10 थे 100 में से। पूरा मार्केट खा गया था जियो, एयरटेल, VI ने सबसे बड़ा जियो इसमें बैठा था। हमको बता दें जियो कैसे आया था, याद है ना आपको, कैसे जियो ने हमें लत लगाई फ्री इंटरनेट की और उसके बाद हमें सस्ता इंटरनेट दे दिया। सालों साल करने के बाद अब वो मुनाफा खोरी पर उतर आया है और अपने टैरिफ को इस कदर बढ़ा दिया है कि ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने के चक्कर में उसने 25% तक के अपने टैरिफ को महंगा कर दिया है, रिचार्ज महंगे कर दिए हैं। नतीजतन कहां जाएगा आज भारत का एक आम मोबाइल यूजर, क्या होगा उस मिडिल क्लास बच्चे का जो अपने मोबाइल पर यूट्यूब पे वीडियो देख करके अपने ट्यूटोरियल्स पढ़ना चाहता है, चाहे वो IAS की कोचिंग के हो या फिर 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए। ऐसी स्थिति में फिर से आया BSNL और BSNL छा चुका है, पोर्ट टू BSNL आप ही लोगों के द्वारा चलाई गई मुहिम है दोस्तों, जिसके चलते देश भर में अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि कैसे BSNL आने वाले समय में 4G बेटर करेगा, 5G पे शिफ्ट करेगा। और आप बता दें 4G से रिलेटेड एक ऐसी खबर आई है जो हिला के रख देगी, ऑलमोस्ट 25,00,000 नए कस्टमर जोड़ने में कामयाब हो चुका है BSNL और एक आंकड़ा सामने आ रहा है जो खुद देश के टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुनिया के सामने लाया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा है ये चांसेस ये हैं, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है लोगों का रुझान, बड़ी बात यह है कि कुछ सरकार, भारत सरकार इसे एक्नॉलेज कर रही है और BSNL को आगे बढ़ता देखना चाहती है, BSNL को दबा हुआ नहीं देखना चाहती प्राइवेट कंपनियों के बोझ के तरह। BSNL ने 25,00,000 नए जो यूजर ऐड किए हैं और ये जो चलता आ रहा है लगातार जो कारवां जुड़ता चला जा रहा है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि साल के अंत तक के 20% मार्केट शेयर BSNL के हाथ में आ जाएगा, जो अभी 100 में से केवल 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं BSNL का सिम, आने वाले समय में 20 लोग इस्तेमाल करेंगे 100 में से, यानी कि 20% मार्केट शेयर जो है वो BSNL का हो जाएगा। और आपको बता दें कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि लगातार नए इलाकों में 4G टावर लगाए जाने वाले हैं। आपको सुनकर के हैरानी हुई थी, इसी साल 80,000 नए 4G टावर, कहां TCS से कहा गया था, कहां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से कहा गया था कि 15,000 टावर आप लगा दीजिए और हमारे रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों तक के 4G इंटरनेट पहुंचा दीजिए। तो आप खबर आ रही है कि 80,000 नए टावर 4G के इसी साल भारत में लगने वाले हैं और 21,000 और लग जाएंगे नेक्स्ट ईयर मार्च 2025 तक, तो कुल मिलाकर 1,00,000 नए 4G टावर। जरा सोच के देखिए दोस्तों, क्या इतना पैसा है जियो एयरटेल के पास, प्राइवेट कंपनियों के पास, कि भारत संचार निगम जिसे 82,000 करोड़ का भी एड मिला है एक ही साल के अंदर, अगले साल और बढ़ा लिया जाएगा डेफिनेटली, जब ये जो कंपनी है घाटे से उभरेगी और उभर जाएगी, क्योंकि दुनिया जो है भारत की कंप्लीटली BSNL पे उतरना चाहती है, सारे यूजर चाहते हैं सस्ता इंटरनेट मिले, स्वदेशी इंटरनेट मिले, हमें बार बार जो है फ्री का डाटा दे देकर हमें लत लगा था जिस तरीके से, जिस ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही थी प्राइवेट कंपनियां, उससे निजात मिले चाहती है भारत की जनता। और BSNL जो है अब ऐसा तुर्क का इक्का बन चुका है भारत सरकार का, जिसे वो खोना नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि BSNL को लेकर जो मुहिम चली है उसका फायदा सरकार को भी मिले, सरकार की इमेज में भी सुधार हो, और इसके लिए BSNL को डूबने नहीं देगी इस बार भारत सरकार, कन्फर्म है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो तेवर नजर आ रहे हैं वो साफ दर्शा रहे हैं कि BSNL अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाली है। पूरी यूनिट बढ़ा दी गई है, जो कि पूरी तरीके से जो कमेटी है वो नजर बनाए हुए BSNL के प्रोग्रेस पर, हर दिन रिपोर्ट की जा रही है कि कहां पहुंचा का 82,000 करोड़ दिए गए हैं दोस्तों BSNL को, 1,00,000 टावर लगाने की योजना है। अकेले आंध्र प्रदेश में बताया जा रहा है कि 2.1 लाख में कस्टमर जुड़ चुके हैं, साउथ का इलाका वहां पर कनेक्टिविटी बेहतर है, BSNL की जो प्रेजेंस है वो काफी स्ट्रांग बताई जा रही है, जिसके चलते वहां पर नए 4G टावर लगाए जा रहे हैं। वायनाड में जो हादसा हुआ
वायनाड में खकरमैंट लैंडस्लाइड आया था, पूरा का पूरा पहाड़ बरक गया था और वहां भी बीएसएनएल का 4G टावर लगाया गया था। वो भी रूरल इलाका था, ग्रामीण इलाका था, लेकिन टावर नीचे गिरने के बावजूद तुरंत बीएसएनएल कर्मचारियों ने उसे ठीक किया और वापस ऑपरेशनल बना दिया। वापस से इलाकों में 4G सर्विसेज को ऑन कर दिया गया और तुरंत वहां राहत बचाव कर्मी जो काम कर रहे थे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे। अलग अलग टूबिया जहां फैली थी उनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित हो पाया, कई लोगों की जिंदगी बचवाई। देखिए दोस्तों, बात तो समझिएगा, बीएसएनएल का मुद्दा मुनाफा कमाई नहीं। बीएसएनएल भारत के कोने कोने पर इंटरनेट की शक्ति को सस्ते दामों पर पहुंचाना चाहकर सरकारी कंपनी है, जबकि जियो एयरटेल ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। अब ध्यान से सुनिए, बीएसएनएल आई और कौन सी प्रगति करने वाला है और 5G जो है बेहद जल्द बड़े महानगरों में देखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बीएसएनएल का जहां पर अच्छा सा नेटवर्क एस्टैब्लिश था पहले से, 4G को 5G में अपग्रेड करने की कोशिशें शुरू हुई हैं। आने वाले 6 महीने के अंदर कई ऐसे इलाके होंगे भारत के अंदर जहां पर 4G अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इंटरप्टेड काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं टूट रही है, वहां पर 5G की सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाएंगी और बेहद कम दामों में मिलनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद उन महानगरों में जरा सोचिए, ऐसी जो है जहां लोग जो है पैसा खर्चा करने के लिए तैयार होते हैं और जियो एयरटेल के मल्टीपल कनेक्शन अपने पास रखते हैं, जो है अब उन्हें अगर सस्ती सर्विस मिलेगी और स्वदेशी मिलेगी तो क्या वो जियो एयरटेल की तरफ जाएंगे? जो बाब का लगेगा वो इन्हीं इलाकों में लगेगा। देखिए, मिडिल क्लास हैज अ रेलिफ्ट, बड़े शहरों में बड़ा एक डप्टा है जो मिडिल क्लास के अंदर कैटेगराइज किया जा रहा है, तो वहां पर लोग जो है बीएसएनएल को पूरा शिफ्ट कर देंगे। वो नहीं देखेंगे जियो एयरटेल को, पैसा खर्चा करना चाहते वो 5G सर्विसेज देगा बीएसएनएल, सस्ती होंगी क्यों नहीं लेंगे वहां के लोग। और बात करें रूरल इलाके की, तो रूरल इलाके ने ग्रामीण इलाकों में तो मोनोपोली बीएसएनएल की बनने वाली है। जियो एयरटेल ने अपने मुनाफा की तरफ जो उनके लास्ट यूज के चलते उन्होंने ग्रामीण इलाकों की तरफ अपने डायरेक्ट पावर पलटाना सही नहीं समझो, क्योंकि ग्रामीण लोग ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकते। उनके लिए डाटा जरूरी है, उनकी उन्नति के लिए जरूरी है, लेकिन वो बेदा पर ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसीलिए जियो एयरटेल रूरल इलाकों में जाएंगे मैं, तो वहां पर बीएसएनएल की मोनोपोली चलेगी। तो रूरल इलाकों में जहां मैक और लगते जाएंगे, शॉपिंग का मैक की जरूरत पड़ती है, जो है मोबाइल कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो सब वहां पर मैं यूजर जुड़ेंगे। और 5G चूंकि पहले स्थापित किया जाएगा महानगरों में, तो वहां भी जो मिडिल क्लास तबका बीएसएनएल की तरफ जाएगा। तो आप जो देख रहे हैं जो हाल आ रहा है भविष्यवाणी की जा रही है, 10% से 20% इन्हीं 4 महीनों में हो जाने वाले, इसी साल जो 4 वर्किंग मंथ्स बचे हुए हैं, साल के 4-6 महीने जो बचे हुए हैं इस साल के, उसमें ही 10% से सीधा 20% मार्केट शेयर बीएसएनएल के पास मांगा जब कस्टमर बनेंगे दोस्तों, और मुनाफा नहीं बोलेगा क्या, जरा सोच के देखिए। नेक्स्ट ईयर तक तो 1 लाख में एक आवट रच जाएंगे और उसकी बात शुरू होगा प्रोसेस जो 4G है उसको अपग्रेड करने का 5G पे। और दोस्तों अगले साल तक 6G आ जाएगा, ऐसा अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन निकल फ्रॉम ही आ रही है। तो अदर बीएसएनएल थे 5G मैजर, जियो एयरटेल पहले से 5G पे काम कर रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल भी 5G पे आ जाए और सस्ते दामों को देगा, तो सोचिए 2025 में टेनी कम्युनिकेशन मार्केट का क्या हाल होगा, प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल, वो उनके शेयर्स का क्या हाल होगा। क्योंकि दोस्तों बीएसएनएल जब हारी होगा, प्लेम पीएनएल बीएसएनएल इनके शेयर्स दौड़ने लगेंगे तेज मार्केट में और जियो एयरटेल के नीचे गिरने लगेंगे। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, अगर कुछ गलत नहीं होता तो मान तो चलिए बीएसएनएल नेक्स्ट ईयर, इस साल का टारगेट तो 20% है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है वो बड़ा प्लेयर बनकर निकल जाए, 30-35% मार्केट शेयर ले रहे। यानी कि भारत के अंदर मोबाइल यूजर अगर 100 हैं तो 100 में से 30 से 35 लोग बीएसएनएल नेटवर्क इस्तेमाल करें, ऐसा हो सकता है दोस्तों। अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे करते ये शेयर बढ़कर चला जाए डाप्ट और जितना मुनाफा होगा उतना एडवांस कमिटी जो कैपेबिलिटी है बीएसएनएल के पास आएगी, पैसा ज्यादा खर्च किया जाएगा, ज्यादा कावर लगाए जाएंगे और उससे धीरे धीरे करके प्राइवेट कंपनियां छोटी हो जाएंगी और सरकारी कंपनी बीएसएनएल सही दामों पे बेस्ट फैसिलिटी भारत के कोने कोने चाहे शहरों चाहे गांव तक पहुंचा पाएगी। तो बने हुए हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के बीएसएनएल के ऊपर में और देश की दूसरी गतिविधियों के ऊपर में। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक सबका इस वीडियो के अंतर पर मिके दिल से धन्यवाद। वैसे हम पूछना चाहेंगे थे आपके ना कौन सा नेटवर्क चल रहा है, क्या आप बीएसएनएल के यूजर हैं, क्या आपके नया 4G स्टार होना शुरू हुआ है।